سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين ثم آمين تفسير سورة الأنعام آية نمبر 99 वाहम इम फिन हो नुखर जो मिन खो हम मोहतोरा के बन और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया फिर इसके जरिए से हर किस्म की नवाकत तो उगाई फिर उसी के जरिए हरे भरे खेत और दरख्त पैदा किए और हाँ फिर उनसे तय बतै चढ़े हुए दाने निकाले पिछले कुछ आयात में अल्लाबहना ताला चूंकि सरा अले नाम का मौजू बी तौर पर तोहिद के दलायल और रस्बात और शिर की नफी है बुनियादी मजमून सुरान का शिर की नफी शिर की पहचान शिर की तरदीद और ज़ाहिर शिर की तरदीद तभी मुमकिन है जब दलाइल तोहद होंगे इस्बात तोहीद होगा और इस्बात तोहैद और दलाइल तोहद कहाँ से मिलेंगे अल्लाह की सिफात के साथ वो निशानियाँ कायनात में वो आयात में कुरान में अल्लाह की जात उसकी सिफात उसके इख्तियार उसकी ताकत उसकी पहचान के निशानियां होंगी तो ही तोहद की पहचान होगी तोहेद दिल में रास् और पुख्ता होगी तभी शिरक को पहचानना और उससे इज्तनाब और कराहत मुमकिन होगी तो निशानियाँ अल्लाह सुबहाना ताली तोहेद के दलाइल जमीन और आसमान में तोहेद के दलाइल दिए जा रहे हैं मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात समझाई है कि अल्लाह सुबहाना जब कुरान में कोई भी बात समझाना चाहते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह चार तरीकार अपनाते हैं बस अवकात अल्लाह सुबहाना ताल कायनात की निशानियां दिखाकर वो बात समझाते हैं इर्द गिर्द ज़मीन आसमान चरंद परिंदवानात नबात अपनी मखलूक अपनी तख्लीक कायनात की निशानियां दिखाकर एक टॉपिक एक बात अल्लाह सुबहाना जब यकीन करवाना चाहते हैं बाबर करवाना चाहते हैं उसकी तरफ कायल माइल करवाना चाहते हैं तो पहला तरीका क्या है अल्लाह सुबहाना तौला कायनात की निशानियाँ वही जो इकबाल ने कहा और खूबी कहा खौलांक जमीन देख फलक देख फजा देख मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख मखलूक को देखकर कर खाली की पहचान दिलवाई जाती है ये पहला तरीका दूसरा तरीका जो अक्सर कुरान में नजर आता है वो कलाम में इलाही में अल्लाह सुबहाना तला कारी कुरान को उसकी अपनी ज़ात में से निशानियाँ दिखाता है उसी बात को समझाने उसी बात की लॉजिक दी जाती है कारी कुरान की अपनी ज़ात में से उसके इर्द गिर्द उसके दायरा कार में से उसके जिसम उसके आजाद उसके सर्कल ऑफ लाइफ में से उसको मिसालें दी जाती है फिर तीसरा तरीका कार उसी बात को समझाने का अल्लाह सुबहाना तसा औकात उसी सिटिंग में या बसा औकात दूसरी जगह पर माजी के तस्करे गुजश्ता कौमों के हालात गुजश्ता कौमों की तारीख की रुदादे सुनाकर यह बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं यह बात मैंने पिशती कौमों को भी समझाई थी जिन्होंने नहीं माना था देखो उनका अंजाम क्या हुआ और मानने वालों का हाल क्या हुआ माजी के किस्से और हिस्ट्री की रुदात क्यों ला इबरतुल देखने वालों समझने वालों के लिए इब्रत ताकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करे और फिर चौथा तरीका अल्लाह के दलाइल का मुस्तकबिल यानी माजी के बाद मुस्तकबिल के हालात के देखो ये हकीकत ये हुक्म ये बात ये चीज मैं तुम्हें तो समझा रहा हूं इसको मान लोगे तो फिर मुस्तकबिल में ये जन्नत के इनामात पाओगे और अगर इनको मानने से इनकार करोगे तो जहन्नम के नजारे और हशर के अजाब का तस्करा कर दिया जाता है ये चार तरीके मौजूद सूर्य नाम में बुनियादी तौर पर क्या चीज समझाई जा रही है तोहीद का इस्बात और शिर की नफी की जा रही है इन आयात में जो पिछले सबक में हमने पढ़ी और आज के सबक में हम पढ़ेंगे बुनियादी तौर पर अल्लाह सुबहाना तला कायनात की और अपनी तख्लीक और मखलूकत की निशानियां दिखाकर तोहहीद के दलाइल और शिर की नफी कर रहे हैं कल के सबक के अख्तार में हमने देखा अल्लाह सुबहाना ने दिन और रात यानी आसमान और जमीन की निशानियां ज़मीन देख फलक देख दिखाया जा रहा है हमें जमीन और आसमान में दिन और रात का तस्करा किया गया कि कैसे आसमान आसमान के ऊपर अंधेरे के अंदर वो चादर तारीकी की फटती है और जमीन के ऊपर रोशनी आ जाती है और जमीन के ऊपर उस रात के अंधेरे को चाक करने के बाद जमीन के ऊपर दिन आ जाता है ये पहली निशानी हमें कल के सबक में पड़ी इख्त में फिर उसके बाद इसी सूरज चांद सितारे जमीन और आसमान का रिलेशनशिप आसमान में सूरज आता है तो जमीन की कैफियत और हालत आसमान में चांद आता है तो जमीन का जमीन का दिन का रात का हिस्सा उसके बाद अल्लाह सुबहाना तला ने फिर इसी तरह निशानियां बताते हुए बताया कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आसमानों पर अपने अश पर हुक्म देकर जमीन में जब तुम्हें भेजता है तो तुम्हारी एक मुस्तकर और एक मुस्ताअन मस्ताउन एक तुम्हारी सौंपे जाने की जगह और एक तुम्हारी करार पकड़ने की जगह अल्लाह के आसमान से हुक्म पर जमीन पर तुम्हारी ये दो जगह मुक्र करती जाती है अब उसी जमीन और आसमान का तस्करा जारी है कि वही अल्लाह है उसी वाहिद रब की पहचान करवाई जा रही है कि वही रब वाहिद है जो उस आसमान से पानी बरसाकर उस जमीन से नबातात तो का देता है वही ज़मीन और आसमान की निशानियां दिखाकर इस ज़मीन और आसमान के वाहिद रब की पहचान उसकी ज़ात उसकी सिफात उसके इख्तियारत और उसकी ताकत और उसके कमालात का पहचान करवाई जा रही है इन चीज़ों की पहचान होगी तो तौहीद दिल में रासिक होगी तौहीद दिल में जमेगी तो शिर की नफी आसान हो जाएगी वही एक रब है जो क्या करता है आसमान से पानी बरसाता है और फिर उसी आसमान से बरसने वाले पानी से वह जमीन से नबता तो ये जमीन और आसमान के दरमियान एक जबरदस्त लिंक कायम करने वाला रब भी वाकद ये यह साइकिल और यह रेन साइकिल का यह जो रब्त है यह बहुत जबरदस्त रब्त है जमीन और आसमान जमीन के ऊपर पानी मुख्तलिफ शक्लों में ज़ख़ीरों में दरियाओं में समुद्रों में नदी में नाले में मुख्तलिफ़ शक्लों में पानी और फिर आसमान पे सूरज चमकता है इस पानी ज़मीन के पानी से बुखारात उठ कर कहाँ जाते हैं लिंक है ना ज़मीन और आसमान पानी ज़मीन पर है सूरज आसमान पर है सूरज की किरणें ज़मीन के इस पानी पर पड़ती हैं उसको गर्म करती हैं हरारत की वजह से ये बुखारात बन के कहा जाते हैं या आसमान की तरफ जाते हैं वहां पे हवाएं उनको जमा करके बदरियों को बादल बनाती हैं और ये पानी आसमान से बरस के फिर कहाँ आता है जहां से चला था वहीं आ जाता है ये गर्दिश जमीन और आसमान के दरमियान ये कंट्रोल करने वाला कौन है वो तुम्हारा वाहिद रब है एक रिमार्केबल एक ट्रमेंडस वाटर साइकिल रनिंग बिटवीन द स्काईज एंड द जमीन जमीन और आसमान के दरमियान ये लिंक वाटर साइकिल का ये रन करने वाला तुम्हारा रब वाद है और ये सिर्फ मोटरसाइकिल रन नहीं करता इसके और बहुत से फायदे लेकिन इसी बरसने वाले बारिश से जो इस जमीन से उठता है, है? नबाता उसकी, उसकी, उसकी क्रबूबियत उसकी मलकियत और उसकी कितनी जबरदस्त तख्लीक और इल की पहचान दी जा रही फिर जब वो पानी एक ही किस्म का पानी गिराता है एक ही किस्म की जमीन पर गिराता है और तो ज़मीन में से क्या उगाता है हरे हरे दरख्त उगा देता है और कहीं दरख्त और कहीं वो हरे भरे खेत पैदा कर एंडलेस खेत लहलहाती खेतियां कहीं इस बारिश से आ जाती हैं और कहीं हरे भरे दरख्त पैदा कर देता है फिर इन्हीं खेतियों में इन्हीं दरख्तों में इन्हीं पौधों में इन्हीं नबातात में कहीं वो खेत लहलहाते हैं कहीं वो खेतियां उगती हैं और कहीं वो दरख्त उग जाते हैं बारिश भी एक हवाएं भी एक सूरज भी एक जमीन भी एक कहीं उस बारिश से खेतियां लहलाती हैं कहीं उससे दरख्त उग जाते हैं इन खेतियों के अंदर भी और इन दरख्तों के अंदर वो क्या करते हैं इनमें तै बतै ते चढ़े हुए दाने निकाल देता है जाहिरता दरख्त और खेतियां जाहिरतन फर्क है लेकिन इनके उगने वाले बसावकात वो मेवा जात एक जैसे होते हैं तय बत ते लगे हुए दाने ये सब क्या है की तखलीक उसके इल्म, उसके कुदरत उसकी ताकत उसके कमालात, उसकी रबूबियत, उसके उसके तमाम के तमाम कंट्रोल और उसकी खबरत की अलामतें नहीं है क्या ये जबरदस्त चीजें अल्लाह की पहचान नहीं दे रही तय बतह लगे हुए दाने अगर आप देखें एक मटर की फलियां और मटर का एक पॉड उसके अंदर कैसे खूबसूरत वो दाने जो हैं वो जुड़े होते हैं पाँच से छः से साठ दाने वो एक मटर की फली के अंदर ऐसे जैसे जुड़े हुए हैं और उसके अंदर मौजूद हैं और अल्लाह ने कैसे उनको रैपअप किया हुआ है अगर आप फलियाँ देखें वो फलियाँ जो दालों की हैं जो पल्स की हैं वो कितने खूबसूरत हैं वो अलग दानों की शक्लें हैं जिनको अल्लाह ने जमा करके कितने खूबसूरत तरीके से पैकअप कर दिया और फिर वही दानों को अल्लाह गंदम के खोशे और वह सट्टे की शक्ल में ले आता है और एक बहुत खूबसूरत वो छली कौन कितना खूबसूरत वो लाइनों की लाइनें लगे हुए वो दाने कितने खूबसूरत है अगर अल्लाह सुबहाना ताला का वो एक एक वो एक भुट्टा ही देख लीजिए एक वो सिट्टा देख लीजिए उस मकई के पौधे का एक सिट्टा देख लीजिए कैसे वो सर्कल में भी वो दाने एक लाइन में चलते हैं सर्कल और पैटर्न भी है और उनकी लंबी लाइनें भी हैं कितनी खूबसूरत उनकी शेप्स हैं और कैसे वो खूबसूरत मोतियों की तरह एक के साथ दूसरे जुड़े हुए हैं और कैसे अल्लाह ने नीचे उस पूरे के पूरे उस सिट्टे के अंदर अंदर नीचे वो वो कैसे कप्स बनाए होते होते हैं जिसके वो होते हैं जिसके दाने सेट हुए हुए ये क्या है कभी वो मटरों के दानों को इकट्ठा कर देता है कभी वो फलियों के दानों को और तरह से जोड़ता है कभी वो उस भुट्टे के सिट्टे के अंदर कभी वो गंदम के खोशे के अंदर और कभी वो चावल के सिट्टे के अंदर और कभी उसी तरह अनार के फल के अंदर उन दानों को जोड़ देता है क्या अनार के दाने उनकी उनका जोड़ना और कैसे वो उनको गोल शेप के अंदर कितने खूबसूरत तरीके से ऐसे लगता है जैसे नगीने जुड़े हुए किसी सेवर के अंदर थल्हा ताना ने फरमाया कि तय बतह चढ़े हुए दाने कितनी मिसालें फेला बताओ ये दाने हैं जो तय बतह जुड़े हैं उनके खुशों में उनके गुच्छों में कितनी निशानी और कहीं अल्लाह एक एक रैपर के अंदर एक पैकिंग के अंदर इन दानों को जोड़ देता है और कहीं अल्लाह फलों को अलहदा अलहेदा पैक करके उसके शगुफे खजूरों तो के शगुफे और पलों के गुच्छों के गुच्छे बना देता है ऐसा है कि नहीं कितने खूबसूरत और कितने अनवाऊ एक शाम के फल हैं कितने अनवाह एक शाम की सब्जियां और ये बेवह जात है कहीं वो सारे के सारे दाने रैपर के अंदर हैं और कहीं एक एक दाना अलग अलग रैप्ट और वह गुच्छे की और शगूफे की शक्ल में खजूर में अलग अलग गुच्छा खजूर में अलग अलग खजूर है और वो रैप्ड है वो कवर्ड है वो पैक्ड है और वो इतने बड़े खूबसूरत गुच्छों की शक्ल में और वो क्या है फलों के गुच्छों के गुच्छे पैदा करता है जो बोझ के मारे झुके पड़ रहे कैसे फलों के ऊपर दरख्तों के ऊपर वो और आप देखें कि ये सारे के सारे फल ये कैसे हैं अंगूर जैतून अनार के बाग लगा दिए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और हर एक की खसूसियत एक दूसरे से जुदा भी है अगर सिर्फ अल्लाह सुबहाना तला के फलों को देख लीजिए तो वो फल ही अल्लाह की पहचान के लिए बहुत उसकी ताकत उसकी कुदरत उसके कमालत उसके इल्म उसके एहसानात उसकी मोहब्बत उसकी रहमत उसके करम उसके फजल और उसके एहसानात को पहचानने के लिए उसके फल ही काफी तरकारियां देख लें तो वो तरकारियां काफी कितने कितने खूबसूरत फल हैं अगर आप देखें यहाँ पे अला सुबह फरमा रहे अंगूर और जैतून और कुरान का भी इजाज़ कि जब इसमें कुरान की बात आती है तो कितना रब्त है अंगूर और जैतून देखे दोनों अंगूर और जैतून अगर मैं यहां बैठी हूं और जरा उधर करके एक टेबल पे पड़े है ना तो अंगूर और जैतून जहरतान बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जैतून का कलर क्या होते हैं दो तो कलर के होते हैं ऑलि जैतून एक ग्रीन और बिल्कुल एक डार्क जेट ब्लैक कलर में होते हैं और अंगूर के दो तो कलर्स कौन से होते हैं बिल्कुल उससे मिलता जुलता ऑलिव ग्रीन कलर का होता है है ना अंगूर का कलर भी वही कलर होता है जो ग्रीन कलर के अंगूर होते हैं वो बिल्कुल ग्रीन ऑलिव की तरह के होते हैं और जो काले अंगूर होते हैं डार्क पर्पल होते हैं उनका भी बिल्कुल ऑलिव की तरह का कलर होता है तो अगर दूर अंगूर और दूर जो है वो जैतून पड़े होंगे ना तो दूर से रंगत की पहचाने दोनों किस्मों के अंगूरों और दोनों किस्मों के जैतूनों के रंग एक जैसे हैं दोनों की शक्ल भी एक जैसी होती है दोनों छोटे छुट छोटे और गोल गोल होते हैं और दोनों की जाहरी शक्ल बिल्कुल दूर और इनकी अरेंजमेंट भी एक जैसी होती है जैतून जो है ऑलिव जो है वो भी गुच्छों की शक्ल में अपने दरख्त पे लगते हैं और इसी तरह अंगूर जो है वो भी गुच्छों की शक्ल में लगते हैं तो दूर से अगर एक जैतून का गुच्छा पड़े और दूर एक फल की टोकरी में अंगूर का गुच्छा पड़ा है ना वैसे ही गोल वैसे ही हरे वैसे ही स्याह और वैसे ही गुच्छे में दूर से फर्क नहीं पता चलेगा लेकिन द मोमेंट आप उसको टच करेंगे आपको फौरन पता चल जाएगा उसकी कंसिस्टेंसी फर्क है अंगूर जो है वो बहुत ही नरम सा होता है छोटा सा बैलून है वो रस का भरा हुआ और वो जो है वो सॉलिड गूदे वाली चीज है फौरन दूर से दोनों बिल्कुल एक दूसरे मिलते जुलते हैं टच करते सार पता चल जाता है नहीं नहीं ये मुझे अंगूर लग रहा था ये तो जैतून है और ये मुझे जैतून लग रहा था ये तो हाथ लगाते सार ये तो नरम सा एक बॉल है एक जूस का कट्ठा और फिर सिर्फ हाथ लगाते नहीं अगर उसको जरा सा खोलते हैं तो अंदर इसमें रस भरा हुआ है और उसमें क्या है उसमें तो गूदा है सॉलिड इसके अंगूर के अंदर तो कोई गुटली नहीं है और कुछ होते हैं जिनके अंदर बारीक सा दाना भी होता है लेकिन जैतून के अंदर तो बाकायदा उसका बीज होता है हाथ लगाते सार पता चल गया उसको खोलते सार पता चल गया उसके बीच से उसका फर्क पता चल गया और अगर जायका लें तो इतना फर्क तासीर लें तो इतनी फर्क एक गर्म एक ठंडा एक और असर एक दूसरा असर एक वाइटमिन के साथ भरा हुआ और एक और पता नहीं तेल के साथ और कितनी कितनी और चीज़ों के साथ भरा हुआ देखने में बिल्कुल एक जैसे थे फर्क पता भी नहीं चल रहा था लेकिन इतने फर्क स्मेल भी फर्क टेस्ट भी फर्क टच भी फर्क कंसिस्टेंसी भी फर्क इंग्रेडिएंट्स भी फर्क तासीर भी फर्क और हालांकि दूर गुच्छे पड़े हुए तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं यह मेरा रब है एक जैसा भी बना देता है और मुतफरक भी बना देता है तासीर और उसके इफेक्ट फर्क कर देता है अनार को आप देखें कितना खूबसूरत है वह फल अनार को अगर जाहिर तन देखे तो उसकी साख और उसकी वो बड़ी हुई डंडी और उसके ऊपर उसका ऐसे लगता है जैसे वो ताज रखा हुए बाहर से देख के इतना खूबसूरत लगता है और जब उसको काट लें तो बाहर से ज्यादा वो अंदर से खूबसूरत लगता है मतलब आप आप आपने शायद कभी अनार की अनार की उस साथ और उस अरेंजमेंट के ऊपर गौर नहीं किया होगा किस तरह वो पतली पतली झिल्ली की तरह के वो लेयर्स हैं जिसके साथ उसके कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर गुच्छे हैं उसके उसके दानों के और उन कंपार्टमेंट्स के साथ वो रैप अप करके छोटे 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 अंदर हिस्से और फिर उसको बाहर से इतने खूबसूरत के कवर के साथ रैप अप कर दिया अंगूर है जैतून है अनार के बाग हैं जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और हर एक की खसूसियात जुदा जुदा भी है अल्लाह ने ये फली बनाए हैं कितने खूबसूरत हैं और कितने फर्क हैं और कितने ज्यादा मतलब आप देखें कि हर फर्क हर हर फल तरबूज गोल है ग्रीन है लेकिन इतना बड़ा है और अमरूद गोल है ग्रीन है लेकिन छोटा है कलर भी एक है शेप भी ऑलमोस्ट एक है लेकिन कितना क्रॉस फर्क है अल्लाह ने इनकी कवरिंग्स अलग बना दी इनके रंग अलग बना दिए इनकी खुशबुएं अलग बना दी इनके टेस्ट अलग बना दिए इनकी पैकिंग्स अलग बना दी इनकी तस्वीरें अलग बना दी इनकी ताकतें तो अलग बना दी और फिर आपने कभी गौर किया अगर आप सिर्फ ही देख लीजिए किन्नू माल्टे संतरे देख लीजिए है तो सब सिट्रसी लेकिन क्या ख्याल है सिर्फ देख के फर्क पता चल जाता है माल्टे को मुसम्मी को किन्नू को फ्रूटर को ग्रेपफ्रूट को लेमन को यहां तक के चाइनीज लीम और तरह का है देसी लीम और तरह का है. है तो सब सिट्रस ही सब एक ही तरह के सिट्रस हैं। दूर से देखने पर इनकी पहचान है ये माल्टा ये संतरा ये किन्नू है ये फ्रूटर है ये रब है एक ही तरह का रंग है एक ही तरह की साख्त है एक ही तरह के दरख्त है उन दरख्तों के भी एक जैसे लेकिन माल्टे और किन्नू का फर्क देखने से पता चल जाता है उनकी स्किन को हाथ लगाने से पता चल जाता है स्मेल से पता चल जाता है टेस्ट से पता चल जाता है आम सभी आम है लेकिन हर आम को देखते सार पता चल जाता है कि आम फर्क है क्या कभी कोई कंफ्यूजन हुई है लंगड़ा देखने से पता चल जाता है यह लंगड़ा है समर बहेज है चौंसा है सब मुख्तलिफ फर्क है आम दूर से पड़ा हुआ तो आप उसको पहचान लेते हैं कि ये सिंधड़ी है ये, ये संग, ल, जो है वो अनवर रटोल है ये लंगड़ा है शक्ल उनकी फर्क उनके रंग फर्क उनकी साइज फर्क और आमों की तो खुशबू है फर्क है खुशबू से पता चल जाता है कि आम कौन सा है ऐसा है कि नहीं आप आंखें बंद कर लीजिए आप आम को देखें भी ना कि आम कौन सा है महज वो आम आपके नाक के पास क्या लाया जाए दूर से पता चल जाता है फ्रिज खोलें आंखें बंद करके आपको पता चल जाएगा फ्रिज के अंदर आज कौन से आम पड़े हुए है कि नहीं है कि रब है ना इंसान नहीं कर सकता इसी तखलीक अल्लाह ही करता है मुझे याद है मेरी बहन जो है ना उनके बेटे को आम बहुत पसंद है अमेरिका तो उनका बेटा और ये उनको मिलने जा रही थी उनकी ग्रेजुएशन थी तो इसने पूछा कि क्या लाऊं इसने कहा कि कुछ भी ना लाएं मत सिर्फ ना मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान के आम मिस कर रहा हूं ग्रेजुएशन नॉर्मली आमों के मौसम में ही होती हैं तो इनके आमों के अपने बाग भी हैं तो बहुत ही बच्चों को आमों का शौक है तो उसने बेटे ने कहा कि बस आप कुछ भी ना लाइए ना मेरे लिए सिर्फ आम ले आए अब आपको पता है कि अमेरिका में वो खाने की चीज़ें नहीं एंटर करने देते ना पोर्ट ऑफ एंट्री पे अगर खाने की चीज़ें निकल आए तो वो बाहर फेंक देते हैं अब बेटे ने इतनी बड़ी फरमाइश की थी कि उठा के आम ले गई और आम उठा के क्या उसने वो बिल्कुल कपड़ों के नीचे रखे कि शायद कहीं छुप जाए और ठिकाने पर पहुंच जाए लेकिन हुआ क्या कहती है द मोमेंट पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर बैग खुला पाकिस्तान की सर जमीन के आम हो और उनकी महक ना फूले कहती है कि द मोमेंट मैंने बैग खोला पूरे के पूरे कमरे में आमों की इतनी महक फैली कि मैंने हजार उनको नीचे छुपाने और लफाफों में बंद करने की कोशिश की थी लेकिन जैसे ही वो बैग की जिप खुली और बैग का ढक्कन वो कहती है पूरे लाउंज में आमों की खुशबू जो है ना वो ऐसी पहली उन्होंने फौरन मेरा बैग खोला सबसे पहले इसका खोलो और कहती है आम पटक के उन्होंने बाहर फेंक दी मतलब आप देखें कि ये खुशबू है कोई नजर ना आए कुछ भी ना आए ये है मेरे रब के फल ये है मेरे रब के मेवे के जब वो बनाता है उनकी खुशबूएं फर्क बना देता है एक ही आम है जिसकी इतनी नस्लें बना देता है जिनके जायके इतने फर्क बना देता है तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने फल बनाए हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और हर एक की खसूसियतें आपस में जुताएता ये दरख्त जब फल लाते हैं तो उनमें फल आने और फिर उनके पकने की कैफियत पर जरा गौर की नज़र से देखो इन चीजों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं फलों का पकना बजाते खुद अल्लाह सुबहाना ताला की बहुत बड़ी निशानी बहुत बड़ी अलामत है और अल्लाह के ईमान और अल्लाह की पहचान की बहुत बड़ा जरिया अगर आप देखें अगर आप देखें तो एक ही तरह की जमीन होती है एक ही तरह की मिट्टी एक ही तरह की जमीन एक ही तरह की हवा एक ही पानी एक ही सूरज की रोशनी वो तो सबको सहराब करती है वो पानी सबके ऊपर गिरती है वो सूरज की रोशनी और वही मिट्टी लेकिन वही मिट्टी कहीं वो तरबूज कहीं वो अमरूद कहीं वो अनार कहीं वो अंगूर और कहीं वो सेब और कहीं वो कुछ बना देती है ये है फलों के पकने में अल्लाह की निशानी वो सब एक चीजें देने के बावजूद उसने उन फलों के बीज के अंदर वो वही का इल, उस बीज के दाने के अंदर उसने वो जीन्स रख दी हैं, वो जीन्स जो उस पौधे को उगने और बढ़ने पर सिखा देती हैं कि वही पानी वही मिट्टी वही हवा वही सूरज लेके ए छोटे से नन्हे से बीज तूने अपने पौधे से तूने अनार बनाने हैं तूने केलों के गुच्छे बनाने हैं और तूने अमरूदों के गुच्छे बनाने हैं तूने तूने सेबों के बाग हैं वो छोटे से उस बीज के अंदर उस सीड के अंदर उस दरख्त के लिए सारी अल्लाह सुबहाना ताला की वही की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उस बीज से उगने वाले उस एक एक दाने से उस एक गुठरी से उगने वाले दरख्त ने कौन सा फल उगाना है ये उस बीज के अंदर अल्लाह की वही के अहकाम मौजूद है और वो पौधा जब अल्लाह के वही के अहकाम की अतात करता है और अल्लाह के दिए हुए रिस्क अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करता है तो फिर बेहतरीन फल पैदा करने में कामयाब होता है असूल क्या है हम जब अल्लाह के दिए हुए वही के अहकाम के मुताबिक अल्लाह के रिस को इस्तेमाल करेंगे तो आमाल सालिया के फल भी अल्लाह के पसंदीदा जरूर निकलना निकालने में कामयाब होंगे पौधा भी अल्लाह के वही के अहाम की अतात करता है और अल्लाह के वही के अहाम के मुताबिक पानी हवा सूरज चांद तमाम चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं अल्लाह के अहकाम के मुताबिक यकजा होती हैं तो फलों जैसी चीज़ पैदा होती है इंसान अशफुलमखलूक़ात जब वही के अहकाम के मुताबिक अमल करेगा अल्लाह के दिए हुए रिस्क के सारे वसाइल को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करेगा तो हमारे सवालिया के फल और अमाल सवालिया की खेतियां ज़रूर लह फिर ये याद रखिएगा कि फल हमेशा मुख्तलिफ दरख्तों पर मुख्तल ही हुआ करते हैं आमाल भी इंसान की कोशिशों उनकी सलाहियतों उनके हालात के मुताबिक मुख्तलफ ही होंगे कोई दीन की दावत में निकलेगा कोई हाफज कुरान बन जाएगा कोई खिदमत खल की तरफ लग जाएगा कोई हदीस पढ़ाएगा कोई कुरान पढ़ाएगा कोई इबादत करेगा कोई जिहाद की तरफ जाएगा अमल और रवैये मुख्तलिफ ज़रूर होंगे लेकिन अगर वो फल हुए तो वह रब को राज़ी ज़रूर करेंगे उनमें मिठास ज़रूर होगी उनमें अफ़ादियत ज़रूर होगी मेरे और आपके ईमान के बाद मेरे और आपकी अतात के बाद जब फल आमाले सालिया के निकलेंगे उनकी रंग उनकी शक्लें उनकी खैयतें उनके रवैये वो मुख्तलिफ जरूर होंगे लेकिन अगर आए तल बिर और अल्लाह के नेकी के तस्वर के मुताबिक हुए तो फिर इंशाल्लाह वो हमें बरकतों और फ़ायदों से आप ज़रूर करेंगे फिर उसके बाद यह भी याद रखिए कि पौधे पर फल जब उग जाता है और फल जब लग जाता है तो फल पकता कब है और फल में मिठास चाशनी हलावत कब आती है जब उसको पानी दिया जाता है उसको खाद दी जाती है और उस पर सूरज की किरणें अच्छी तरह से पकती पड़ती है ऐसे ही होता है जो पौधे के ऊपर पका हुआ फल है वो नीचे पके हुए फल की तरह का नहीं हुआ करता ऐसा है ना अगर चाहते हैं अगर कोई शख्स चाहे कि उसके खेत के अंदर उसके फल अच्छे हों आला हो उमदा हो मीठे हो तो उसे क्या करना होता है अपने पौधों की हिफाजत करनी होती है उसको खाद डालनी होती है उसकी आब करनी होती है और फिर उन फलों को और उन पौधों को कीड़ों से मुख्तलिफ नुकसान द हिशातल अर्ज से बचाना होता है और धूप छाओं का भी एहतमाम करना है आज अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद ईमान के बाद अमाल सालिया के फल और फूल जाहिर हों, तो हमें कुरान और हदीस की तालीमत का पानी देता रहे, लगातार देते रहना है हमें खाद देनी है सीरत सहाब और सीरत साहब याद की यह पौधा जो दीन का है इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि बरगोबार आए और चाहते हैं कि इनके ऊपर फल उगे आमाले सवाल आके नमाजों के फल उगे जकतों के फल उगे अखलाक की चाशनी आए तो फिर कुरान और हदीस की आबियारी करनी है सीरत सहाबा, सीरत सहाबिया, तो महातुलमोमिन बिना तो रसूल सबसे बढ़ के सीरत रसूल सल्लाम की तालीमात का खाद डालनी है और फिर अपने इन फलों को अमाल सालिया के हसना के फलों को बिताज से शिरक से जहालत से इन तमाम चीजों के कीड़ों और हषातुलरस से बचा के रखना है माहौल की गर्म सर्द हवाओं से भी बचा के रखता है किसान अपने फलों को माशे के रसूमात माशे के तरीके जहालियत के तरीके जहालत की रसूमात से अपने इन फलों को बचा बचा के रखिए बड़े कीमती होते हैं यहां के फल और फिर फल में मिठास कब ज्यादा होती है जितनी सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है उतना फल ज्यादा मीठा और ज्यादा लजीज और ज्यादा शीरी होता है दरख्तों पर पका हुआ फल आर्टिफिशियल दवाइयों के पकाए हुए फलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजेदार और लज़ीज़ होता है अभी सिर्फ यही नहीं आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि वो फल जो दरख्त के ऊपर होता है वो नीचे वाले फलों के मुकाबले में टॉप ऑफ द ट्री का फल हमेशा ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसके ऊपर सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती हैं असूल क्या है नबी सल्लाहसम स्यल्ण को कुरान ने क्या कहा सरा जुम्मनिरा रोशन चराव नूर नबी सल वसलम की हदीस की तालीमत और सुनत रसूल सल वसम के नमूनों की, की तालीम अगर मुझ तक और आप तक ज्यादा कसरत से पहुंचेंगी तो के लजीज भी होंगे ईमान की हिलावत भी होगी इबादात के अंदर हिलावत और चाशनी और मिठास होगी और अखलाक के अंदर भी मिठास और चाशनी पैदा होगी इन नकल खलू की नजीम भी तभी नजर आएंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के नमूनों का इल्म ज्यादा से ज्यादा पहुंचा और पहुंचाया जाएगा और फिर आपको ये भी पता है कि फल हर वक्त नहीं लगते अल्लाह के हुक्म से फलों के लिए हर जमीन पर भी हर फल नहीं लगता आपको पता है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफल होते हैं हर इलाके में हर फल नहीं होता ऐसे ही होता है ना और फिर हर फल सारा साल भी तो नहीं होता हर फल के लिए कोई खास इलाके हैं फलों के लिए कोई खास मौसम है खास क्लाइमेट खास हरारत ये सब क्या है ये अल्लाह की कुदरत की पहचान है अल्लाह का हुक्म अल्लाह की ताकत अल्लाह की मलकियत अल्लाह के कंट्रोल में है ये सब कुछ किस इलाके में कौन से फल उगेंगे कौन सा फल कौन से मौसम में कौन सी हरारत में कौन से वक्त में होगा ये अल्लाह की कुदरत उसकी ताकत उसकी सिफात उसकी बुरहान की पहचान है आप सबसे बढ़कर आपने देखा कभी वो दरख्त कभी वो पौधा जिस पर अभी फल नहीं लगा उसकी शाखों पर गौर कीजिए और वो दरख्त और वो पौधा जिस पर फल लगकर पक गया उसकी शाखों पर गौर कीजिएगा आप देखेंगे कि जिस दरख्त पर अभी फल नहीं लगा उसकी शाखें अकड़ के आसमान की तरफ जाती सीधी बुलंदों के आसमान की तरफ जाती हैं, लेकिन जब शाखों पर इन्हीं अकड़ने वाली शाखों पर जब फल लग जाया करता है तो वो शाखिन झुक जाती हैं। एक इंसान भी ईमान के बाद जब अमल सवालिया की तरफ माइल नहीं होता तो उसके अंदर तकपुर रहता है उसके अंदर गरूर और घुमंड रहता है उसके अंदर वो अकड़ रहती है लेकिन जब ईमान और इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो अमाल सवालिया के फल उग जाते हैं उस शजरतन तोयबत मोमिन पर नमाज का फल लग जाता है आजजी के फल लग जाते हैं तो वो मोमिन की शाखें फिर तकबर के साथ नहीं झुक जाती है जितना कुरान और हदीस पर अमल ज्यादा होगा उतना तकबर निकलेगा और उतनी आजजी और इंकिसारी बढ़ जाएगी तो देख लीजिए अपना रवैया देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं कि मेरे अमल अभी मेरे ईमान और मेरे इस्लाम में दाखले के बाद मेरे इस इस्लाम और ईमान के दरख्त पर आमाले सवालिया के पल लगे हैं कि नहीं लगे तो देख लेंगे मेरी जिंदगी में आजी कितनी आई मैं अल्लाह के बंदों के आगे क्या तकबर कर रही हूं या क्या अल्लाह के बंदों के आगे झुकने वाली हूं अगर जिंदगी में आजजी आ गई तो फिर आमाले सवालिया के पल लग चुके हैं लेकिन अगर कलमा पढ़ने के बाद अभी तकबर है घुमंड है गरूर है फखर की आदत है इतरा रहे हैं गरूर और घुमंड करके घूमते फिरते हैं तो फिर याद रखिए अभी अमल नसीब नहीं हुआ जिसको कुरान और हदीस पर अमल नसीब होता है और अमल के बरगोबार लग जाते हैं पर उसकी जिंदगी में आज आ जाती है इनकसारी आ जाती है अल्लाह जबाना त अल्लाह सुबहाना तआला हमें इनके सारी और आजी की तौफीक अता फरमा अल्लाह ज़िंदगी से तकब्बुर के शाइबे को भी खुरज कर निकालना हम सब के लिए आसान बना लेबहाना तआला तो ने फरमाया कि ये फल जब आते हैं तो इनके पकड़े की कैफियत पर ज़रा गौर करो इन चीज़ों में निशानें और लोगों के लिए जो ईमान लाते अच्छा ये पिछले कुछ आयात हैं इनके कुछ आखिरी हरूफ पर गौर कीजिए आयत नंबर नाइन्टी फाइव आयत नंबर नाइन्टी सेवन आयत नंबर नाइन्टी एट अफिर आयत नंबर नाइनटी बहुत खूबसूरत रब्त है इन आयत के आखिरी हरूफ के दरमियान और जिंदगी में ईमान और अमल के लिए एक बहुत खूबसूरत اصول भी है अल्लाह ने सवाल किया था आयत नंबर नाइनटी में फाना तोहफिकून तुम कहाँ बहके जा रहे हो अल्लाह की इतनी निशानियां देखने के बावजूद अल्लाह की इतनी नियमतें इस्तेमाल करने के बावजूद अला की इतनी आयात पढ़ने के बावजूद तुम कहाँ बहके चले जा रहे हो तो बहकने से बचने का तरीका क्या है यो योन समझ में आया बहुत दुनिया आज बहकती भटकती फिर रही है अल्लाह को नहीं पहचानते अल्लाह को नहीं मानते अल्लाह की नहीं मांगते भटकते फिर रहे इधर से उधर अल्लाह को ढूंढते फिर रहे हैं अल्लाह के अकामात से नावाकिफ हैं वजह क्या है कलमा पढ़ने के बावजूद भटकते रहने की वजह क्या है कलमा पढ़ने और इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बावजूद गुमराही के गढ़ों में मुबतला रहने की वजह क्या है यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं आया भटकने से बचने के लिए सबसे पहले यालमून, इल्म का होना जरूरी है फिर इल्म के बाद यफ उस इल्म का फिक, उसका फहम उसका समझ उसका इदराक उसका शूर होना जरूरी है और जब इल्म का होगा तो फिर यो जब आएगा तो भटकने से इंसान बच जाएगा आज कलमा पढ़ने के बावजूद लोग भटक रहे हैं सराते मुस्तकीम पर चल नहीं रहे क्योंकि हमने तरीका क्या समझ रखा है हमने तरीका यह समझ रखा है कि कलमा पढ़ने के बाद यो कलमा पढ़ने के बाद सीधा ईमान नहीं मिल सकता जब तक इल ना आए इल्म में फिक ना हो और फिक के बाद ईमान ना हो अगर कलमा पढ़ने के बाद डायरेक्ट ईमान की कोशिश करेंगे तो वह ईमान साबित नहीं रहेगा और वह ईमान भटता घटता और फिर कभी कम होकर गुमराही की तरफ ले जाएगा सही तरीका कार यही है अल्लाह को माना अल्लाह को अल्लाह के कुरान को अल्लाह के नबी वसल्लम को मान के उनकी मानने के लिए फिर जरूरी क्या है कि इन तमाम चीजों का इल्म हासिल किया जाए इल्म हासिल करने के बाद जो इल्म हासिल किया है उसकी फिक्र उसकी समझ उसकी बूझ जो कुरान में अल्लाह कहता है अफला या तफक् रून अफला या तदब पर उसमें, उसमें तदब्बर उसमें समझ उसका फहम तो फिर ईमान ऐसा होगा कि जिसमें साबित कदमी होगी और यही वजह है कि आज कलमा गो होने के बावजूद आज साबित कदमी से ईमान मौजूद नहीं है क्योंकि आज इल्म और फिक्र को जिंदगी से निकाल दिया गया है और फिक से मुराद मेरा वो शरीय फिक नहीं है फिक से मुराद समझ वहम और बूझ है अल्लाह के दिए हुए इल्म आज कुरान और हदीस का इल्म उठता चला जा रहा है दुनिया भर का इल्म है उसके लिए वक्त लगाया जा रहा है सलाहियतें लगाई जा रही है लेकिन असल इल्म की तरफ हम रजू नहीं कर रहे हैं लोग नमाजें पढ़ने वाले भी रोजे रखने वाले भी जकते देने वाले भी उनके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं है और जिनके पास कुरान और हदीस का कोई छोटा मोटा इल्म है भी उनको इसमें फहम नहीं है इसीलिए ईमान में साबित कदमी नहीं है। अगर चाहते हैं मुझे और आपको ईमान में साबित कदमी हो और ईमान के बाद आमाले सवालिया के फल लगे तो फिर कुरान का हदीस का सुन्नत का सीरत का इल्म और उस इल्म में फहम और फिक और समझबूझ होगी तो फिर ईमान में साबित कदमी होगी और इन सारी चीजों के लिए कुरान ने और हदीस ने दुआएं भी तो सिखाई इल्म के लिए या लमोन के लिए कुरान की दुआ रब इश्रह ली सदरी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या लमुन की कैफियत के लिए दुआएं सिखाई अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इलमन बन, रिज़्क़न tay्यिबन और कुरान ने ये भी तो सिखाया औज़ु बिल्लाहि मिनल जाहिलिन है ना या लमुन की कैफियत के लिए कुरान की क्या दुआ है रब् बिज़िदनी इल्मा फिर औज़ु बिल्लाहि फिर रब् इश्रह ली सदरी

अल्लाह ने ताकीद की मोहम्मद अलैहि वसल्लम को कि आप दुआ करें कि मेरे इल्म में इजाफा हो क्योंकि इल्म के बगैर ईमान नहीं हुआ करता फिर फिक के लिए दुआ अल्लाह फा फिद ये हैं वो दुआएं जो ईमान की साबित कदमी को हासिल करने के लिए कुरान और हदीस ने हमें अल्लाह तरीका भी सिखा देता है तरीके को हासिल करने की दुआएं भी सिखा देता है और दुआएं सिखाने के साथ अल्लाह इल्म भी पहुंचा देता है अल्लाह हमें सभी से फैस याप होने और सभी नुस्खों को इस्तेमाल करने की तोफीकता फरमाए और फिर ईमान के लिए क्या ऐलान रबाना इन्ना आमन्ना फिर लाना जनू बना वकी ना जाबनार और अल्लाह अलहिम ना बिन शुरूरे ना नोश्तन विन शुरूरफना और फिर ईमान के लिए या मुकलब अल कलूबी सबित कलबी बी अला दी याम शौरफ अल कलूबी शौरफ कलबी बी अला तो आते ईमान की साबित करने की तो दो सब पे सब माना ये है ईमान की साबित कतनी की दुआएं। तो अल्लाह तो सुबह ने आज के सबक में हमें नुस्खा सिखा दिया कलमा पढ़ने के बाद भटकने से बचना चाहते हो तो इल्म हासिल करो इल्म हासिल करने के बाद उस इल्म में फिक्र और फहम हासिल करो तुम्हें ईमान में साबित कतनी मिलेगी ये तरीके के बावजूद इस पर भी लोगों ने जिन्हों को अल्लाह का शरीक बना लिया जिन्हों को किन शैतान चूंकि जिन था तो चूंकि इंसान शैतान की अतात करता है शैतान की अतात गोया अल्लाह का शेर है लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहरा लिया हालांकि वो उनका खालिक है और बे जाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां तसनीफ कर दीं अल्लाह सुबहाना ताली के लिए बेटे और बेटियां तसनीफ करना हाँ आपको मालूम है कि ईसाइयों ने हजरतीसा इसम को ईसाई बन इसी तरह यहूदियों ने उजैर उज़ैरबन अल्लाह अल्लाह का बेटा बना दिया और बेटियां फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ मुश्किन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां, अल्ला बेटियां तजवीज़ करते थे और इन तमाम लोगों ने अल्लाह के बेटे और बेटियां क्यों तजवीज़ की थी मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मुशीन मक्का भी और बाकी जो पैरोकार हैं उन्होंने भी अल्लाह के बेटे और बेटियां महज इसलिए तजवीज़ किए कि उनको अल्लाह का बेटा और बेटी तजवीज़ किया उनकी इबादत की उनकी पूजा पाठ की उनके लिए मनते मुरादे न्याजे चढ़ावे दिए ताकि ये हमसे राज़ी हो जाए ये अल्लाह की बेटियाँ अल्लाह के बेटे हैं अल्लाह के मुकरब हैं अल्लाह इनकी सुनता है अल्लाह इनकी मानता है अल्लाह इनकी सिफारिश कबूल करेगा तो जब हम इनकी इबादत अता इनके लिए मन मुराद न्याजें चढ़ावे चढ़ाएंगे तो दो काम ये हमारे लिए अब अपने करीब रब के करेंगे एक तो हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचाएंगे अल्लाह की औलाद और दूसरी बात यह कि क्यामत के दिन हमारी सिफारिश करके हमारी बख्शिश और निजात का जरिया बन जाए हमेशा जितनी कौम ने जितनी उम्मतों ने अल्लाह की बेटियाँ और बेटियाँ बेटे तजवीज़ किए उनके पीछे कार फरमा मतहरक जज्बा यही रहा है दुआओं के लिए अल्लाह के पास रसाई और क्यामत के दिन सिफारिश और शिफात की उम्मीद अल्लाह ने फरमा दिया हालांकि वो पाक और बाला तर है उन बातों से जो कि लोग कहते हैं वो तो आसमान और जमीन का मोजद है उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई शरीक जिंदगी ही नहीं उसने हर चीज को पैदा किया और वो हर चीज़ का इल रखता है ये है अल्लाह तुम्हारा रब कोई खुदा उसके सिवा नहीं हर चीज़ का खालिक लिहाजा तुम उसी की बंदगी करो वो हर ही चीज़ का कफील है निगाहें उसको नहीं पा सकती लातो दरी कोहुल अल्लाह अल्लाह को निगाहें नहीं पा सकती कयामत से पहले हिसाब किताब से पहले अल्लाह सुबहाना ताला की जात जस को देखना अल्लाह सुबहाना ताला की किसी मखलूक के लिए मुमकिन नहीं रखा गया फरिश्ते अल्लाह सुबहाना ताला कि हजूर हाजिर तो होते हैं लेकिन देखने का तस्करा मौजूद नहीं है अल्लाह सुबहाना ताल के सामने हम कलाम तो होते हैं लेकिन देखने का तस्करा उनका भी मौजूद नहीं है हजरत जवरीर अमीन ने के बियॉन्ड क्या फरमाया था कि इस जगह से आगे तो मेरे भी पर जलते जलीलुल कदर से जलीलुल कदर अंबिया के लिए भी अल्लाह सुबहाना तला को अपनी आंखों से देखने का तस्करा कहीं मौजूद नहीं बल्कि इसके बरखिलाफ अदीस मुबारक मौजूद है हजरत मूसा कलीम अल्लाह अल्ला हम कलाम तो होते थे कोहे तूर पर लेकिन जब लेकिन जब देखने का मामला आता है तो हमें वाजे तौर पर कुरान और हदीस ये वाजें करती हैं कि हजर मूसा अल्लाह सुबहाना तैसे हम कलाम तो हुए थे लेकिन दीद से फैसियाब नजारे से फैसियाब नहीं किए गए थे तो रसोलम के लिए भी यही माम शब महराज के मौके के हवाले से ताल की हदीस के अल्फाज उनकी रवायत से आते हैं शाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने कहा कि मोहम्मद वसल्लम ने अल्लाह सुबहाना ताल को देखा उसने अल्लाह सुबहाना ताल पर बहुत बड़ा झूठ और बहतान तराशा शब के मौके पर आपने जन्नत दिखाई गई आपको जहन्नम दिखाई गई आपको ये मोजात दिखाए गए आपको अल्लाह ने हम कलाम होकर वह नियमतों से नवाजा तो गया लेकिन दीद और नजारे का मामला नबी रखमत महबूब खुदा सलम के साथ भी मामला मौजूद नहीं हुआ दुनिया की जमीन में दुनिया की जिंदगी में और कयामत से पहले अल्लाह की मखलूक का अल्लाह को देखना यह ताकत और सलाहियत किसी को नहीं दी गई इट इज जस्ट लाइक नॉर्मल आप देखें कि इंसान के लिए बहुत सी चीजें हमें इस दुनिया की जिंदगी में इंसान को अल्लाह सुबहाना ताली ने एक लिमिटेड रेंज दी है उसकी ताकतों और सलाहियतों की अल्लाह सुबहाना ताली ने हमारे जिसम को एक खास हद तक वजन उठाने की ताकत दी है ऐसे है उस लिमिट से ज्यादा हम वजन नहीं उठा सकते ये हमारी जिसमानी ताकत है हमारे मसल की पावर है इसी तरह एक ख़ास हद तक हम सो सकते हैं खास हद तक हम भूख प्यास काट सकते हैं हमारी लिमिट्स हैं ना इंडोरेंस की इसी तरह इंसान कुछ खास हद और एक खास रेंज तक आवाज़ें सुन सकता है उसके बियॉन्ड उससे ऊपर उससे नीचे आवाजें नहीं सुनी जा सकती आपको पता है कि साउंड और आवाज़ जो है वो वेव्स की शक्ल में है और वो वेव्स में से ख़ास किस्म की वेव्स और एक ख़ास रेंज की वेव्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक खास फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं जो हम अपने कान से सुन सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड या उससे कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें वो इंसान अपने कान से नहीं सुन सकता बहुत सी ऐसी आवाजें जो इंसान नहीं सुन सकता कुत्ते सुन सकते हैं चिमकादड़े सुन सकती हैं उल्लू सुन सकते हैं बहुत से और जानवर सुन सकते हैं लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज इंसान नहीं सुन सकता मसलन देखें कि जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो वो बुनियादी तौर पर अल्ट्रासाउंड किसके जरिए होता है ख़ास किस्म आवाज की आवाज़ की श्वाएँ हैं जिसके साथ वो अल्ट्रासाउंड का टेस्ट किया जाता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो वो एक प्रोब सा रखते हैं ना एक आला सा हमारे पेट पर या उस जगह पर जहां का अल्ट्रासाउंड करना होता है उसमें से क्या निकल रहा होता है आवाज़ की श्वाएँ वो आवाज़ की श्वाएँ कैसे हैं अल्ट्रा साउंड है जिस फ्रीक्वेंसी के साउंड हम सुन सकते हैं उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं वो अल्ट्रा है उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है हम नहीं सुन सकते हमारे वो दाखिल होती है हमारे से वो वापस आती है जिसको वो मशीन डिटेक्ट करती है लेकिन मैं और आप उसको नहीं सुन सकते इस जमीन की जिंदगी में इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह सुबाना तआला ने सुनने के लिए खास साउंड रेंज हमारे लिए रख दी उससे ना ज्यादा की आवाज सुन सकते हैं ना कम की आवाज़ सुन सकते हैं इसी तरह देखने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए एक रेंज रखी है उससे ऊपर की शुआएं हम नहीं देख सकते उससे कम की शुआएं हम नहीं देख सकते मसलन आपने देखा एक्स रेज एक्स एक्सरेज खास किस्म की लाइट रेज है खास किस्म की रेज है क्या आप देख सकते हैं एक्सरे की लाइट को नहीं देख सकते इंफ्रा रेड है अल्ट्रा वायल्स हैं खास किस्म की लाइट रेंज हम सिर्फ वो सात रंगों की लाइट रेज देख सकते हैं हम उसको अगर फिजिक्स में देखते हैं तो हम विप ग्योर वायलेट इंडिगो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ब्लू ये ये सात रंगों की श्वाएं जो हैं ये हम देख सकते हैं और ये सब मिलकर सफेद रंग बनती हैं लेकिन ये कि सिर्फ ये रेंज है जो हम देख सकते हैं इससे ना ऊपर ना इससे कम ये नहीं देखी जा सकती तो लिहाजा जिंदगी में इंसान की देखने सुनने समझने की ताकतें लिमिटेड है हमारी हर सलाहियत लिमिटेड है लेकिन मौत के बाद क्यामत के दिन वो सलाहियतें ऐसी नहीं रहेंगी जैसे इस दुनिया में है मिजाज ऐसे ही रहेंगे लेकिन सलाहियतें ऐसी नहीं रहेंगी मैंने उसने आपको हदीस के उस चैप्टर में बताया था कि जहनमियों के जिसम हमारी दुनिया के इस जिसम से बहुत बड़े हो जाएंगे है ना उसकी एक एक एक, -एक दाढ़ बहुत पहाड़ जितनी लंबी हो जाएगी उसकी खाल कितने कितने हाथ लंबी हो जाएगी और इसी तरह उसके दो कंधों के दरमियान तीन दिन की मुसाफत के बराबर जो है वो फासला हो जाएगा तो मौत के बाद जजा सजा के बाद इंसानों के जिस्म की हालत और कैफियत ही नहीं उनकी सलाहियतों उनकी कॉम्प्रिहशन उनकी समझ बूझ उनका इधरक उनकी देखने और उनकी सुनने की सलाहियतें भी फर्क हो जाएगी बहुत सी चीज़ें जो हम इस दुनिया में नहीं देख सकते वो हम वहाँ देख लेंगे देखने के काबिल हो जाएंगे बहुत सी चीज़ें जो हम इस दुनिया में नहीं सुन सकते वो वहाँ सुनने के काबिल हो जाएंगे बहुत सी हकीकतें जो हमें इस दुनिया में समझ ही नहीं आती अल्लाह की ज़ात अल्लाह की सिफात उसका अर्श अभी हम कॉम्प्रेंड ही नहीं कर सकते लेकिन हशर के दिन वह सबको समझ आना शुरू हो जाएगा नज़र आना शुरू हो जाएगा और हम देखने के काबिल हो जाएंगे तो लिहाजा क्यामत के बाद इंसान की वह सलाहियतें अल्लाह वो अल्लाह अल्ला ने अब बनाई हैं लिमिटेड बनाई हैं वो बनाने पर कादर है उसको कैसे अब हमारी खाल बोल सकती है नहीं ना क्यामत के दिन खाल को अला सुबह तो गोआया गवायाई दे देगा तो अल्लाह सुबहाना तै जब इंसान को नए सिरे से तखलीक करेगा उसकी ताकतें उसकी सलाहियतें उसकी हालत उसकी कैफियत उसको बदलने पर कादिर है वो नए सिरे से बना देगा बूढ़ी फौत होने वाले को जब जवान अबकारा बना सकता है तो वह सब कुछ कर सकता है तो लिहाजा दुनिया की जिंदगी में हम अल्लाह सुबहाना तेख नहीं सकते अल्लाह सुबहाना तत के बारे में हम इतराक और फहम कर नहीं सकते लेकिन मौत के बाद अल्लाह के हजूर हाजरी के बाद फहम भी इतना बढ़ा दिया जाएगा और निगाह की वसत भी इतनी कर दी जाएगी कि वो दुनिया में लात उदरको लबसवार है लेकिन उस दिन अल्लाह का दीद और अल्लाह का नज़ारा जिनको ये नमत दी जाएगी उनके लिए ये दीद और नज़ारा आसान हो जाएगा ये सब सलाहियतें उस दिन बदल दी जाएंगी अल्लाह सुलाना ताली उस दिन अपनी क़्यामत की वो बेहतरीन नमत जन्नतियों की वो बेहतरीन नमत से हम सबको नवाज़ देना फरमाते इस दुनिया की जिंदगी में निगाहें उसको नहीं पा सकती लेकिन वो निगाहों को पा लेता है तुम्हारी निगाहों तुम्हारी निगाहों के अंदर जो जो वो देखता है निगाहें कैसे कैसी होती हैं बस औकात हदीस में वो जो अल्फाज आते हैं ना आप सलि वसलम ने फरमाया निगाहों के अजर भी तो उसने देने आपने ताकिद फरमाई थी ना कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी माँ के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डालता है तो क्या है उसको एक हज मबरूर का जर लिख दिया जाता है क्यों क्योंकि वो अलीम और ख़बीर उस निगाह को पा लेता है वो शायद माँ को भी पता नहीं चलता जब औलाद उसको मोहब्बत से देखती है लेकिन वो खालिक जिसको ये नगाह बड़ी पसंद है वो इस निगाह को पा लेता है वो जो हरम पर पहली निगाह पड़ती है और उस पर गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उस पर दुआएं कबूल होती हैं वो उस निगाह को भी पाता है तो निगाहों के जो रवैये हैं निगाहों के अंदर कौन कौन से रवैये होते हैं बसात निगाहों में मोहब्बत होती है माँ देखती है ना बच्चे को कितनी मोहब्बत से देखती है गोद में लेके आता घंटा देखती ही रहती है और उसको अच्छा लगता रहता है बच्चा अपना प्यारा लगता ये है ये माँ की निगाह है इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है कि तुम भी उस प्यार करने वाली माँ से जो घंटों तुम्हें देख देख के खुश होती रहती थी तुम भी उसकी चेहरे पर कुछ निगाहें मोहब्बत वाली डाल दिया करो वो भी तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाएंगे कभी कभी निगाहों में मोहब्बत होती कभी कभी निगाहों में क्या होता है गुस्सा होता है कभी कभी निगाहों में हसद होता है कभी कभी निगाहों में तकबर होता है तकबर वाली निगाह देखिए हम पहचानते हैं ना गैज़ वज़ब की निगाह भी पहचानते हैं गुस्से की निगाह भी पहचानते हैं जलन हसद और कुड़न की निगाहें भी पहचानते हैं और किसी पर म और ज्यादती की निगाहें भी पहचान ली जाती हैं और तकबर वाली निगाह के अंदर भी खास घमंड है जो तकबर तो अल्लाह सुबह हर ही किस्म की निगाहों को पा लेता है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उसको तुम्हारी निगाहें उसको नहीं पा लेती लेकिन वो निगाहों को पा लेते हैं और उन निगाहों को भी पा लेता है जो कहाँ पड़ती हैं निगाह क्या है शैतान के इबलीस के जहरीले तीरों में से है। वो जो अल्लाह ने कह दिया ना अपनी निगाहों में से वसौ वो निगाहें जो किसी ऐसे हराम चीज़ पर पड़ती हैं किसी नज़ारे पर किसी सीन पर किसी फिल्म पर किसी ड्रामे पर किसी के गलत लिटरेचर पर किसी के जिस्म के हिस्से पर जिसको देखना जायज़ और हलाल नहीं है ना चाहे सारी दुनिया से छुपा के हम पोशीदा तौर पर किसी फेसबुक पर किसी इंटरनेट पर हमारी निगाह अगर किसी ऐसे नज़ारे पर पड़ती है शायद मेरा माशा मेरा घराना मेरे माँ बाप उस नगाह को नहीं देखते लेकिन वो उस निगाह को पा लेता हर हराम चीज़ को देखने वाली निगाह को हर नापसंदीदा निगाह को भी वो देख लेता है और हर पसंदीदा निगाह को भी वो देख लेता है वो निगाहें जो कुरान की सैर करती हैं वो उनको भी देखता है और वो निगाहें जो हदीस को छांट लेती हैं पढ़ लेती हैं समझ लेती हैं वो उन निगाहों को भी जानता है और वो निगाहें जो कुरान की आयत को पढ़ती हैं लेकिन उसके बाद वो इल्म वाला उन पर अमल नहीं करता वो उन निगाहों को भी जानता है में अपनी निकाह की हिफाजत जब्त बसर की तोहफी का ताफरमा देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशन निशानियां आ गई हैं अब जो कोई बिनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा जो अंधा बनेगा खुद ही नुकसान उठाएगा मैं मैं तुम पर कोई पासवान तो नहीं हूं इसी तरह हम अपनी आयत को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं और इसीलिए तो करते हैं कि ये लोग कहें कि तुम किसी से पढ़ आए हो और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हकीक़त को रोशन कर दें ए मोहम्मद सल वसल्लम आप क्या करें उस वही की पैरवी करें जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल हुई मोहम्मद सल्ला वसलम को अल्लाह सुबहाना तै किस चीज़ का हुक्म दे रहे हैं तब या का अल्लाह सुबहाना जो नाजिल किया है उसके इतबा का हुक्म दिया जा रहा है किस चीज का हुक्म का मोहम्मद में रबे के हवाले से वसल्लम को बुनियादी तौर पर दो हुक्म दिए गए थे यहां पे इतब खुद पैरवी करे खुद उसकी अतात करे खुद उसको कॉपी करे और आगे क्या करे बल्लेमा जिला का मेर रबिक पहुंचा दें जो आप तक आपके रब ने पहुंचाया ये दोनों काम लाजिम है पढ़ लेने के बाद उसकी अतात करना उसकी पैरवी करना उस इल्म को अमल में बदलना और फिर अपने अमल में बदलने के बाद उसको लोगों तक पहुंचाना दोनों ज़रूरी हैं जब वही का इल्म पहुँच जाता है उसका इतबा उसकी अतात और पैरवी भी ज़रूरी है और सिर्फ अपनी ज़ाती हताहत हद तक उसकी पैरवी नहीं उसको लोगों तक पहुँचाना बलगमा जिला कम रबिक दोनों काम ज़रूरी हैं और नबी सल्लि व इन दोनों एहकाम की अतात बहुत खूबसूरती से और मुकम्मल और जाम तरीके से की पैरवी भी और तबलीग भी आपकी जिंदगी सरापा तबलीग है और आपकी सुन्नत मुकम्मल अताते हजरत आयशा से पूछा गया था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे हजरत ने हैरत से क्या कहा था क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा क्या तुमने कुरान नहीं है फिर हजरत आयशा ने गवाही दी थी गाना खुल कुरान के मोहम्मद अलैहि वसल्लम के अख्लाक तो नमूना कुरान है मोहम्मद वसल्लम ने कुरान के हर ही हुक्म पर मुकम्मल इस आयत के हुक्म की अतात के हवाले से कुरान के एक एक हुम पर मुकम्मल अतात करके अपनी ज़ात अक्दस को नमूना कुरान बना बनाती है सब का मेरे लिए और आपके लिए ये एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि जहाँ वो कुरान में खुद कहते हैं ना वह हद न के मैंने तुम्हें दोनों रास्ते दिखाए मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता भी दिखाया और नहीं तुम्हें जहन्नम का रास्ता भी कुरान में दिखाया है तो मेरे रब ने सिर्फ ये दोनों रास्ते नहीं दिखाए हैं उस रब ने साथ क्या किया है उस रब ने रास्ते बताया भी है जन्नत का रास्ता बताया भी है बताने के बाद उसको एक रिटर्न फॉर्म में पहुंचाया भी है और फिर उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशरी मॉडल की शक्ल में हम तक महफूज हालत में भी पहुंचाया ये बिल्कुल वही है जो मैं आपको बस अवकात समझाती हूँ ना कि आपने एक नई जगह पर जाना है और आप किसी के पास जाते हैं और एक शख्स आपको सिर्फ ज़बानी बता देता है कि अच्छा जाओ यहाँ से जाओ वो सेकंड टर्न लेफ्ट लेना फिर राइट लेना फिर आपको जाओ जाओ जबानी अलामतें बता के आपको टर्निंग्स बता के रास्ता बता देता है फिर दूसरा शख्स है आपको जबानी भी, भी बताता है लेकिन आपको उसका नक्शा और खाका भी स्केच कर देता है और तीसरा शख्स है वह आपको जबानी भी बताता है फिर आपको स्केच भी करके नक्शा बताता है और फिर साथ ही कहते हैं अच्छा चलो ये नक्शा हाथ में पकड़ोगे मैंने तुम्हें समझा दिया है और मैं तुम्हारे आगे गाड़ी लगाता हूँ मैं चलता जाता हूँ मेरे पीछे पीछे चलते जाओ हाँ ऐसा ही है ना आप किसकी मान के रास्ता अपना अपनाएंगे ये तीसरा वाला शख्स अल्लाह अल्ला ने जन्नत का रास्ता और जहन्नम का रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यही मामला किया जन्नत का रास्ता हमें कुरान और वही के जरिए समझाया फिर उसको एक लिखी हुई किताब के जरिए हम तक थमा दिया और फिर उस किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया और फिर हमें ये कहा कि ये जन्नत का रास्ता है लिखा हुआ इस रास्ते को पढ़ना है इसको समझना है इस पर चलना लेकिन इसको समझने और इसको इसको अपनाने में अगर कहीं इश्तबाक कुछ कन्फ्यूजन कुछ मुश्किल होने लगे तो ये ह्यूमन मॉडल मौजूद है ये ह्यूमन मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्किंग ह्यूमन मॉडल मौजूद है इनकी सुन्नत का इतबा करोगे तो तुम्हारा रास्ता जन्नत का रास्ता होगा ये मेरा रहमान रब है जिसने वही दी कुरान दिया और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत को नमूना कुरान बनाकर हमारे लिए हदायत और सरार्त मुस्तकीम का रास्ता पूरी की पूरी सहूलत और आसानी और तशरी के साथ वजा कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है नमूना कुरान है इसीलिए हमें कहा गया लकत का नी रसूल हसन और फिर अल्लाह के रसूल सलाह के पैरोकार क्या हैं जो इराम इकबाल ने कहा था ना कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान वो हकीकत में कुरान का बनता है कारी कुरान जब अति व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है मोहम्मद वसल्लम को अतिल्ला कहा गया और उम्मत के अफराद को अतील्ला व अतिर रसूल वसल्लम का हुक्म नहीं एक दफ़ा बार हाथ दिया गया तो आपको कहा गया कि जो जो चीज़ें आप पर नाजिल की गई हैं उसको उसकी अतात करते चले जाएं क्योंकि उसे एक रब के सिवा और कोई खुदा नहीं और मुनशकिन के पीछे ना पड़ो अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो खुदा ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शेख ना करते तुमको हमने उन पर पासवान तो मकर नहीं किया और ना ही तुम उनके हवालेदार हो और ईमान लाने वालों ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं ना उनको गालियाँ ना दो अल्लाह सुबहाना तलाब यहाँ पर मुसलमानों को मुश्किन के मामल के हवाले से एक और अदब और एक सलीका बड़ी हिकमत से सिखा रहा है कि देखो तुम अल्लाह की मोहब्बत में तोहीद के सरूर में अल्लाह की मोहब्बत में और शर की कराहत में कहीं ऐसा काम न कर लेना कि वो सारी की सारी जाते जिनको ये मुश्क अल्लाह के अलावा पुकारते हैं कि उनकी शान में अगर गुस्ताखी करके उनको तुमने गाली दी तो वो तुम गाली ना देना यह क्यों सिखाया जा रहा है क्योंकि याद रखियेगा हर शख्स अपनी इज्जत आपकी मेरी इज्जत कोई करे या कोई ना करे इसका बहुत बड़ा किरदार और इसका बहुत बड़ा रोल हमारे अपने हाथ में है लोगों से इज्जत कराने के लिए उनकी इज्जत करना जरूरी है जो लोगों की इज्जत करता है लोग उसकी इज्जत करते हैं और जो लोगों की बेइज्जती और जिल्लत करता है लोग फिर उनकी बेइज्जती और जिल्लत का मामला करने लगते हैं तो अपनी इज्जत करने के लिए इज्जत करना जरूरी है इज्जत करवाने के लिए इज्जत करना जरूरी है यही तरीका यहां पर भी सिखाया गया है और बुनियादी तौर पर यहां से ना हमें इस्लाम और कुरान की तालीमत में एक रिलीजस टॉलरेंस का तस्वुर मिलता है इस्लाम की तलीमा में रिलीजस टॉलरेंस का तस्वुर बहुत ज्यादा है इस्लाम कहीं भी हमें दूसरे और दूसरे अध्ययन की तरफ जल्दबाजी और उनकी गुस्ताखी और उनके दीन और उनके अद्यन की तालीमत के साथ कोई भी किसी किस्म की गुस्ताखी का तरीका या उनके साथ इन टरेंट बिहेवियर को जो है वो हमें कभी भी इसकी तालीम नहीं दी जाती इस्लाम बहुत ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस की तालीम जो है वो सिखाता है और ये रिलीजस टॉलरेंस का एक तरीका सिखाया जा रहा है कि मुश्किन जिन जिन ज़ातों की इबादत करते हैं बुतों की चान की सूरज की देवी देवता वगैरह जो उन्होंने बना रखे तुम उनको गाली ना दो उनकी गुस्ताखी ना करो उनको आर ना दिलाओ क्यों क्योंकि जाहिर है तुम उनकी सेंगटटी उनकी वो चीज़ें जिनको वो सेंगटटी देते हैं जिनको वो मुकद्दस समझते हैं अगर तुम उनके शान में गुस्ताखी दोगे तो वो क्या करेंगे वो भी अपनी हॉस्टेलिटी में वो भी अपनी खफकी में वो भी अपनी नाराजगी में अपनी दुश्मनी में अदावत में कहीं ऐसा ना हो कि नाराजगी की हालत में आके नाऊज़ सुम्मा नाऊज़ नाउजिल्ला वो तुम्हारे इलाह की गुस्ताखी कर ले तो वही तरीक़ा है इज्जत करना चाहते हो तो इज्जत देना सीखो उनके उनके बुतों के साथ टॉलरेंस का तरीका ताकि वो भी हमारे अध्ययन के खिलाफ बात और इसकी जबान तराजी का तरीका इख्तियार ना करें जहात की बहालत में बढ़कर कहीं अल्लाह को गालियाँ ना देने लगे हमने तो इसी तरह हर ग्रोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया फिर उन्हें उनके रब की तरफ ही पलट कर आना है उस वक्त वो उन्हें बता देगा वो क्या करते रहे हैं ये लोग कड़ी कड़ी कस्बे कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी हमारे पास आ जाए तो हम इस पर ईमान ले आएंगे ए मोहम्मद सल्लास इनसे कहो निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएंगी तो ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं हम उसी तरह उनके दिलों और उनकी निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा उस पर ईमान नहीं लाए हम हम उन्हें उनकी सरकश में भटकने के लिए छोड़ देते हैं अगर हम फरिश्ते भी उन पर नाजिल कर देते और मुर्दे भी उनसे बातें करने लगते और दुनिया भर की चीज़ों को भी हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते तब भी ये ईमान लाने वाले नाते अल्लाह की मशीत होती कि वो ईमान लाएँ मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं हमने तो इसी तरह हमेशा इंसानों और शैतान शैतान इंसानों और शैतान जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया है जो एक दूसरे पर खुश आय बातें कौन सी बातें मुलम्मा की भी धोखे देने की बातें उनके ऊपर फरेब के तौर पर अलता करते रहते हैं अगर तुम्हारे रब की मर्जी और मशियत ये होती कि वो ऐसा ना करे तो वो कभी भी ना करते बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो अपनी इफ़रा बरदासियाँ करते रहें ये सब कुछ हम उन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आख़रत पर ईमान ही नहीं रखते उनके दिल उस खुशनुमा धोखे की तरफ मायल हो जाएँ और वो उससे राज़ी हो जाएँ और उन बुराइयों का इकतसाफ करें जिनका इकतसाब वो करना चाहते हैं इन सल तता रहे कि हमने उनको ढील और छूट दी है एंड आई एम लेटिंग देम डू वोट दे वॉन्टिंग टू डू तो ठीक है बस करते रहें जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश कर लूँ अल्लाह के लिए कुरान में सिफ्त आती है ना कि अल्लाह क्या है अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है तो यहाँ पर अल्लाह की पहचान करवाने के बाद बताया जा रहा है कि अपनी जिंदगी के इबादात के खाने के पीने के लिबास के खुशी के गमी के जिंदगी गुजारने के जो फैसले हैं, उन फैसलों पर मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना फैसला करने वाला बना लूँ हालांकि उसे तो पूरी तफसील के साथ तुम्हारी किताब तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल करती है और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि यह किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है लिहाजा तुम क्या करो तुम शक करने वालों में शामिल ना हो जाओ अल्लाह ने हर कार्य कुरान को अपनी पहचान कराने के बाद अपनी किताब की पहचान करवा दी है कि तुम क्या करो उस वाहिद के वाहिद कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फैसले करो और तुम फैसले करने के लिए क्या करो इन किताब के अहकाम को पढ़ोगे तो अपनी ज़िंदगी के फैसले करने के लिए इन अहकाम में किसी किस्म के शक और शुभ का शिकार ना हो जाओ ताल्लुक़ बिल कुरान में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकाली वो कौन सी चीज़ है शक और ये वो शक ही है जो ना अल्लाह सब ने बिल्कुल शुरू में सूरा बकरा में निकाला था डालिकल किताब ये ले लो किताब तुम हदायत मांग रहे थे ना कौन सा रास्ता दे हमें हमें सरात लजीना दिखा दे तो अल्लाह सरातना ने जब से बंदे ने उसे बंदे ने जब सरात मुस्तकीम मांगा तो सूरा बकरा में क्या कहा था ये किताब ले लो और इस किताब पर क्या करो इस पर शक ना करो और जब शक नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए हदायत बन जाएगी तो ये शक ना करने का तो मुताबा है वो तो अल्लाह ने बिल्कुल राइट एट द डे वन स्टार्टिंग आया था हमें दे दिया था इसे हदायत चाहते हो तो अपने ताल्लुक में शक ना करना दोहरा लीजिए मुश्किन मक्का कैसे शक करते थे वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवती पर शक करते थे फिर वो ये शक करते थे कि ये कलाम आपकी तरफ से नहीं है मुख्तल एतराज थे कि आप नाऊज़ुबिल्ला घड़ के लाते हैं मुख्ति एतराज थे कि आप यहूद और नसारा के जो गुलाम हैं उनसे सीख कर आप लाते हैं और नाऊज़ बिल्ला इसक्रातों को घड़ के अपनी वही बनाकर पेश कर देते हैं उनके तो इस किस्म के किसम और को थे वह नबूवत और वही और किताब अल्लाह के बरहक और सच्चे होने में शक करते थे लेकिन हर दौर में किताब पर शक है आज के दौर में शक कैसा है जिसको निकालना जरूरी है आज के दौर में शक की एक शक्ल ये है कि ये किताब शायद आज के दौर के लिए नहीं है ये अहकाम आज के दौर के लिए नहीं है इंसान तरक्की करके मरीख और जहरा पर और चांद पर पहुंच गया और इंसान ने कहाँ कहाँ तरक्की कर ली तो ये अहकाम आज के दौर के लिए नहीं उस मक्की दौर के लिए इन एहकाम को आज की रोशनी में बदलना इन इस्लाम बनाना मॉडरेट इस्लाम बनाना जरूरी है ये शकुक को शुभ है जो कुछ इलीटिश किस्म के और पढ़े लिखे लोगों के दिलों में शैतान डालता रहता है फिर आज एक और शक है भले यकीन है कुछ कुरान पढ़ने वालों के दिलों में भी शैतान यकीन डाल देता है कि इस कुरान के अहकाम को अगर पढ़ के इसके मुताबिक अमल करोगे तो क्या होगा कुछ लोगों को यकीन है कि इसके मुताबिक अमल करेंगे तो नुकसान हो जाएगा कोई फायदे हाथ से चले जाएंगे कोई नुकसान उठाने पड़ जाएंगे तो अल्लाह ने अल्लाह ने आज फिर मुतालबा कर दिया कि अपने दिलों से शकु को शुभात निकाल दो इस कुरान के अहकाम अल्लाह की तालीमात के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करोगे अपनी खुशियां, गमियां, शादी ब्याह लिबास कारोबार खाने पीने उन तमाम जिंदगी के मराहिल के फैसले करोगे उसके मुताबिक अमल करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारे हाथों से कोई फायदा नहीं जाएगा ये शक है जो आज हर कुरान के तलेब इन को अपने दिल से निकाल लें लिहाजा तुम शक करने वालों में से शामिल ना हो जाओ तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के अतबार से कामिल है कोई उसके फरामीन को बदली करने वाला नहीं और वो सब कुछ सुनता और जानता है अब जब ये बात आती है तो ना, ना करते हुए कुरान पढ़ने वालों के दिल में जब कुरान के अहकाम पढ़ते हैं तो शैतान ये बात डालते हैं हाँ क़ुरान के अहकाम तो ये लेकिन हमारे माशरे में तो आजकल कल मेजोरिटी ऐसी नहीं करती हमारे माशरे में तो मेजोरिटी फोटोशूट्स करवा रही है हमारे माशरे में तो सभी के सभी लोग जो है वो महंगे महंगे ब्राइडल्स और महंगे महंगे डिजाइनर जोड़े बना रहे हैं हमारे माशरे में तो जहेज हमेशा ही दिया जाता है अक्सरियत बरतें लाती है तो ये शैतान ना दिलों में वस से डाल देता है कि नहीं तुम फैसला इसके मुताबिक अपनी जिंदगी का करोगे लेकिन माशरे में तो अक्सरियत ये नहीं कर रही अभी शैतान वो जो आम महावरे जो हरी माशे में अपने इलाकों के मुताबिक हैं कहीं वो कहते हैं मेजोरिटीज़ अथॉरिटी है ना ये मुहावरा मेजोरिटीज़ अथॉरिटी वो डेमोक्रेसी वाला तरीका है कुरान के अहकाम में मेजोरिटीज अथॉरिटी का रूल नहीं चलता फिर कहीं वो शैतान वो वो याद करा देता है जबान खल को नकार खुदा समझो कि अगर अक्सरीत लोगों की अक्सरियत एक, एक बात कहने लगी है तो उसको फिर समझो कि शायद ये अल्लाह ही की बात है अल्लाह भी इसी को पसंद करता है फिर यहाँ वो कहते हैं चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की इन रोम डू एज रोम इसमें से कोई पैमाना कुरान और हदीस के इतबा के मुताबिक पूरा नहीं उतरता अल्लाह ने फरमा दिया अगर तुम अक्सरियत की पैरवी करोगे अगर अपने माशे में, में मेजोरिटी की पैरवी करने लगोगे जो जमीन पर चलते बसते हैं तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे क्यों वो क्यों भटका देंगे क्योंकि मेजोरिटी क्या कर रही है वो तो महज गुमान पर चल रही है उनके पास तो कोई ठोस इल्म नहीं है ना उनके पास इल्म है उन्होंने तो सिर्फ कलमा पढ़ा है और ईमान का रंग चढ़ाना चाहते हैं ना उनके पास कलमे के बाद इल्म आया ना यफ कहून हुआ ना या लमून हुआ उनका ईमान वो तो, तो पर टुल्लों पर वो क्या कर रहे हैं वो यखरसून कर रहे हैं वो गुमान के ऊपर काम कर रहे हैं वो मनते मुरादें चढ़ाते हैं तो गुमान पर चढ़ाते हैं वो वो अपने अपने चालीसवें करते हैं अपने जुमेरातें करते हैं अपनी बरसियां करते हैं उनके पास कोई लॉजिक नहीं है उनके पास कोई प्रूफ नहीं है उनके पास कोई दलील नहीं है, नहीं है। वो महज अपने आबाव अजदाद को करते चले देखते चले आ रहे हैं तो बस उसी के पीछे वो पैरवी करते वो तुक्के चलाते हैं वो तीर तुक्के चलाते हैं और वो गुमान की पैरवी करते हैं तो अपने इर्द गिर्द अगर मेजॉरिटी एक काम कर रही है तो मेजॉरिटी को पैमाना मत बनाना हर कुरान के तलिब इन को बहुत खूबसूरत असूल बताया गया है कि देखो रब वाहिद के इस वाहिद कराम कुरान को अपना रहबर बना लो अपना गाइड बना लो इसी के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करो इसके फैसले करने में किसी किस्म का शक और तरद का शिकार ना होना इसके मुताबिक फैसले करोगे कोई नुकसान नहीं आएगा कोई फायदा हाथ से नहीं जाएगा और इसको बदलने की न किसी को जरूरत है और न किसी को इजाजत है बगैर शक और शुभे के उसके इसी रंग के मुताबिक इसके अहकाम पर फैसले करते जाओ लेकिन अगर तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे माशरे में तुम्हारी बरादरी में तुम्हारी माहौल में मेजॉरिटी इसके मुताबिक फैसले नहीं कर रही तो भी मेजोरिटी की रॉ में ना बह जाना याद रखिएगा बातिल की कसरत उसको हक नहीं बना दिया करती गुनाह की कसरत उसको नेकी नहीं बना देती हराम की कसरत उसको हलाल नहीं बना दिया करती अगर माशरे में आज अक्सरियत बेहयाई का लिबास पहने हैं तो वो लिबास लिबास तकवा रब पसंद लिबास नहीं बन जाता आज स्कूलों में जाए कॉलेजेस में जाए यूनिवर्सिटीज में, में जाए पहन रही है कोई कैप्रीज पहने हुए है कोई टाइट्स पहने हुए है कोई जीने पहने हुए है कोई टॉप शॉर्ट्स पहने हुए हैं वो सब कुछ पहने मेजोरिटी वही पहनती है मेजोरिटी वही ओढ़ती है मेजॉरिटी सुल्फे खोले हुए है मेजॉरिटी जो है वो दुपट्टों को गले के पटके बनाए हुए लेकिन मेजोरिटी की वजह से वो लिबास रब पसंद लिबास नहीं बन जाता वो लिबास बातिल लिबास वो हक लिबास नहीं बन जाता एक पूरे इतने बड़े महफिल के अंदर अगर एक रब पसंद लिबास पहनने वाली भी है और सारी नापसंद लिबास पहनने वाली है तो हक लिबास वही रहेगा जो हक है कसरत की पहनने की वजह से वो लिबास रब पसंदीदा लिबास नहीं बन जाएगा अगर माशरे में मेजॉरिटी आज सूद खाती है तो मेजोरिटी अगर सूद खा रही है तो मेजोरिटी के सूद खाने की वजह से सूद हलाल नहीं हो जाएगा सूद हराम ही रहेगा अगर बैंकिंग सिस्टम आज फ्लरिश करते हैं और हर बंदा आज बैंकों के जरिए लोन्स ले रहा है और सब कुछ कर रहा है तो कसरत की वजह से वो, वो सूद की हरमत खत्म नहीं हो जाएगी उसकी हरमत वैसी ही रहेगी अगर आज के माशरे में सभी लोग रिश्वतें खा रहे हैं आज बड़े चंदा चंदा आटे में नमक के बराबर रह गए वो लोग जो रिसके हलाल का तरीका इख्तियार करते हैं वो आटे में नमक के बराबर लोग अगर रिज हलाल खाने वाले थोड़े भी हैं तो रिस्क हलाल रिज हलाल ही रहेगा कसरत से रिश्वत माशरे में लॉन्च हो जाने और रेज हो जाने के बावजूद रिश्वत हलाल नहीं होगी रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला जहनमी रहेगा चाहे पूरे का पूरा रिश्वत खाने लगे पूरे का पूरा माशा झूठ करने लगे पूरे के पूरे माशे के के माशे अंदर बिद्दत राज, राज, राज से खो जाए पूरे के पूरे माशे के अंदर अगर शिरक राह से खो जाए तो भी हराम हराम ही रहेगा हलाल हलाल ही रहेगा ताहे कितने थोड़े लोग हलाल पर जमने वाले अल्लाह हमें अपने पैमाने कसरत और मेजॉरिटी की तकलीद की बुनियाद पर नहीं कुरान और हदीस की तकलीद और अताद के मुताबिक पैमाने रफा करने की तौफीक कताब फरमा दे बना लाफुजना मिलना तो उनका रुकमा इन्का अंतल वहाब سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين